नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि 2008 में मार्केट कैसे क्रैश हुआ था, उसके पीछे क्या रीज़न थे। तो इस वीडियो में जानेंगे कि 2020 में मतलब रिसेंटली जो मार्केट क्रैश हुआ है उसके पीछे क्या वजह थी और 2008 से लेकर 2020 तक का मार्केट का मूवमेंट कैसा रहा, ये डिटेल में भी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने जो टाइम फ्रेम लगाया हुआ है वो एक मंथ का है। मतलब एक कैंडल की जो वैल्यू रहेगी वो एक मंथ रहेगी। तो लगभग 2008 से लेके मैंने पूरा डाटा कलेक्ट किया है अभी तक रिसेंटली मई 2020 तक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो ये देख सकते हो आप 2008 में जो सब प्राइम लोन क्रैश हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो, वहाँ पे जाके आपको इसकी पूरी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। तो दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ था, जब भी मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट लगभग 1994 से या 1996 के बीच में से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तब से लेके अभी तक मतलब जो उसका सफ़र रहा वो बहुत ही अमेजिंग रहा। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2008 का जो मार्केट क्रैश हुआ था, जो कि यूएस से शुरुआत हुई थी और इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी के चलते इंडिया में भी उसका इफेक्ट हुआ था। तो वो सब चीज़ें कैसे हुई थी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ पे मैंने जो भी है इवेंट उसके नाम यहाँ पे ऊपर लिखे हुए हैं और एरो से चार्ट पे दिखाने की कोशिश की है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एरो को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो देख सकते हो 2008 का जो सब प्राइम लोन क्रैश हुआ था, जो बबल क्रैश हुआ था, जो कि रियल इस्टेट में एक मतलब जो कि फेक वाला मूवमेंट आया था कि सब लोग, आपको पता है, पिछले वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ से मतलब लगभग 2007 से स्टार्ट हुआ था दिसंबर से, मतलब 2008 से पूरा मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया था। तो देख सकते हो एरो को फॉलो कीजिए। तो लगभग वहाँ से मार्केट लगभग 60% मतलब पूरा रिट्रेस हो चुका था, लगभग 60%। मतलब 6000 से निफ्टी लगभग 3000 पे आ चुका था, उसके भी नीचे गया था लेकिन वो फिर से बाउंस बैक हो गया। तो ये सारे रीज़न के पीछे, ये सारे होने के पीछे एक रीज़न था, वो था कि सब प्राइम लोन बबल क्रैश। तो उसके बाद दोस्तों मार्केट में बहुत ही बड़ी मंदी आ चुकी थी, रिसेशन स्टार्ट हो चुका था, लोगों के जॉब जा चुके थे, मतलब पूरी इंडस्ट्री बंद हो रही थी, बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियली सिस्टम ख़राब हो चुका था, वैसे ही कंपनी का ख़राब हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें होती गई क्योंकि ग्लोबल इंडाइसेस बहुत ही ख़राब तरीके से बिहेव कर रहे थे, उसके ऊपर इफेक्ट हुआ था। तो ये जो रीज़न था इसको कंसोलिडेशन बोला जाता है, ठीक है। ये लगभग मेरे हिसाब से 5 या 6 महीने तक चला, जिसको रिसेशन बोला जाता है। रिट्रेसमेंट के बाद जो आता है, जो रिट्रेसमेंट के बाद कंसोलिडेशन बोला जाता है, हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में उसको कंसोलिडेशन जोन बोला जाता है। कि उस जोन में जाके फिक्स होता है कि शेयर की मूवमेंट या ट्रेंड की मूवमेंट ऊपर होगी या नीचे होगी। लेकिन ये लगभग 2001 का लो था, तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लिया और एक उछाल आ गया। एक्चुअली उछाल आने के पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि इलेक्शन सर पे थे और 2009 में फिर से यूपीए गवर्नमेंट फिर से इलेक्टेड होके आ गई, ठीक है। कांग्रेस की सरकार इंडिया में फिर से इलेक्टेड होके आ गई। तो एक लोगों में उम्मीद थी कि ये ठीक होगा, सब यहाँ पे ठीक हो जाएगा, यूपीए गवर्नमेंट आ चुकी है तो सबका ठीक होगा। यह सब सारी चीज़ें होती रही और मार्केट उसको मतलब रिप्रेजेंट करता रहा अपने ग्राफ में। तो देख सकते हो आप, जहाँ से मतलब उछाल आया था, मतलब जहाँ से ये उछाल स्टार्ट हुआ था लगभग मई से स्टार्ट हुआ था और इलेक्शन कुछ मई में 2009 में हो चुके थे और यूपीए गवर्नमेंट सेलेक्ट होने के बाद, फिर से इलेक्टेड होने के बाद मार्केट ने फिर से अपना दायरा मतलब वो रीजन तक आ चुका था जहाँ से 2008 में रिसेशन स्टार्ट हुआ था, जहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था, वो लेवल तक आ चुका था। ये रीजन था कौन सा दोस्तों, तो नवंबर 2010 का दिवाली था। एक साल मतलब लगभग एक साल के बाद मार्केट फिर से उस ऊंचाई तक आ चुका था, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो मार्केट ने फिर से एक बार गेन किया। रीज़न था उसके पीछे यूपीए गवर्नमेंट का इलेक्टेड होके फिर से आना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब 1-1.5 साल के अंदर हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे एफआईएस ने बहुत भारी मात्रा में सेलिंग की थी, बहुत भारी मात्रा में पूरे वर्ल्ड वाइड सेलिंग ही चल रही थी। तो 2010 का जो दिवाली सेशन था वो बड़ा मज़ेदार था, क्योंकि विदिन 1 ईयर के अंदर लोगों के पैसे यहाँ पे डबल हो चुके थे, बहुत ही डबल, मतलब किसी के तो 2-3 पट भी हो चुके थे। तो इतना सारा प्रॉफिट देख के बहुत सारे लोग पैनिक हो गए। पैनिक के सिचुएशन, पैनिक का मतलब समझते हो आप, पैनिक मतलब उनको लगा कि भाई 1 साल में पैसा डबल हो रहा है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। और एज़ पर टेक्निकल एनालिसिस, जब भी आपका पैसा डबल हो जाता है या डबल से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो लोगों के मन में एक ग्रीड आ जाती है कि भाई इतना पैसा हो चुका है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, यहाँ से अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दिया। जैसे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गया, उसमें एक साल बीता गया, ठीक है, उसमें एक साल लगभग एक साल चला गया उसमें। फिर से ये क्या हुआ, ये जो मैंने आर में देखा है लो बिफोर जनरल इलेक्शंस, मतलब फिर से इलेक्शन सर पे थे दोस्तों, फिर से 2014 में जो इलेक्शन आने वाले थे वो सर पे थे। इसलिए ये जो जोन है ये पूरा फिर से कंसोलिडेशन जोन बन चुका था। मैं जो दिखा रहा हूँ आपको इसको कंसोलिडेशन जोन बोला जाता है, मैंने पहले आपको बता दिया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ। ये कंसोलिडेशन जोन में मार्केट ऐसे बिहेव करता है जैसे मान ले कि कोई बड़ा ट्रेडर उसमें हाथ नहीं डालता है, कोई भी बड़ा बिग प्लेयर जो होता है ये रीजन में कभी अपना पैसा नहीं लगाता है, वो वेट करता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ये अगर ऊपर जाएगा तो वो बाय करेगा, अगर नीचे जाएगा तो भारी मात्रा में सेल करेगा। तो इन इस रीजन में हम जैसे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो कि छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं, वो लोग उनको बड़ी मात्रा में मतलब उनको बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, उनको बड़ी जल्दी रहती है पैसा अपना लगाने में, मार्केट में उनको बड़ा जल्दी रहती है। तो उन लोगों के कारण ये ऊपर नीचे होता रहा। लगभग यूपी गवर्नमेंट 2009 में सिलेक्टेड होकर आ गई थी, उसके बाद ये देख पा रहे हो मतलब 2012 से लेके 14 तक, मतलब 2 साल ये सब रिटेल ट्रेडर के ट्रेड है, देख सकते हो आप छोटे छोटे कैंडल बने हैं। जब भी कोई बड़ा प्लेयर ट्रेड लेता है तो ऐसे बड़े बिग कैंडल्स बनते हैं, और ये जो छोटे मोटे कैंडल्स देख रहे हो ये छोटे ट्रेडर की निशानी है, जैसे कि हम जैसे रिटेल ट्रेडर, क्योंकि हम हमारा पैसा कितना होता है हमारे पास 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़, तो उससे कुछ नहीं होगा ट्रेडिंग में, उससे कुछ नहीं होता। ये जो बड़े कैंडल देख रहे हो ये 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ के ट्रेड है, जो कि वन सिंगल शॉट बोला जाता है, उसमें किए जाते हैं, तभी इतने बड़े कैंडल बनते हैं। ओके, तो मैं जैसे मैं अपने पॉइंट पे फिर से वापस आता हूँ। जैसे मोदी गवर्नमेंट सिलेक्टेड होकर आ गई, देखिए ये देख सकते हो यहाँ पे फिर से बुल रन आ गया, ठीक है, ये देख सकते हो ये रीजन, जैसे इस रीजन से मार्केट होके बाहर निकला, कंसोलिडेट होके बाहर निकला, मतलब उसके पीछे रीजन का क्या था, मोदी गवर्नमेंट का सिलेक्ट होके आना, क्योंकि सबको होप थी और मोदी गवर्नमेंट का नारा ही था अच्छे दिन लाएंगे। तो ये अच्छे दिन कैसे आएंगे ये सब सोच के मतलब ट्रेडर लोगों ने अपना पैसा लगा दिया, और ये जो रन था इसको 2014 का बुल रन बोला जाता है, जो कि मार्केट ने अपना 2008 का जो कि हाई था उसको ओवरटेक कर लिया था दोस्तों। तो ये बुल रन आने के पीछे जो रीज़न था वो मोदी गवर्नमेंट का इलेक्टेड होके आना था, मतलब मोदी गवर्नमेंट का नारा ही ऐसा था कि हमें आप एक चांस दे दो, हम आपके ज़िंदगी में अच्छे दिन लाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये बुल रन आया, तो जैसे मोदी गवर्नमेंट को लगभग 1 साल हुआ था तब लोगों के ध्यान में ये चीज़ आ चुकी थी, क्योंकि ये गवर्नमेंट आने के बाद भी कुछ हमारे ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। तो फिर से प्रॉफिट बुकिंग, बड़े ट्रेडर को तो रीज़न ही लगता है कि कहाँ पर वो अपना पैसा प्रॉफिट लेके निकल जाए। तो ये रीज़न था कि मार्केट में फिर से एक बार फियर आ गया कि जैसे कि कांग्रेस सरकार आई थी उन्होंने कुछ किया नहीं इस रीजन में, वैसे ही मोदी गवर्नमेंट आने के बाद कुछ नहीं हो सकता, ये फियर के कारण ये मार्केट नीचे 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 आ गया। और जो उन्होंने बजट पेश किया था पहला, जो मोदी गवर्नमेंट इलेक्टेड होकर आने के बाद अरुण जेटली साहब ने जो पहला बजट पेश किया था वो बजट मार्केट को कुछ अच्छा नहीं लगा था पहले 2 महीने में, देख सकते हो यहाँ पे 2 बड़े बड़े रेड कैंडल है। मैंने पहले आपको बता दिया था कि रिटेल ट्रेडर ट्रेड करेगा तो इतने बड़े कैंडल कभी नहीं बनेंगे, ठीक है, इतने बड़े कैंडल वो कभी नहीं बना सकता। उन सिंगल शॉट जो होता है 10 हज़ार करोड़, 20 हज़ार करोड़ या 50 हज़ार करोड़ तक का भी सेल किया जाता है, तब भी इतने बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं। तो उनके पास पहले से न्यूज़ होता है कि क्या होने वाला है आगे जाके, बजट कब पेश होने वाला है, आपको तो पता ही रहता है। न्यूज़ सबसे लास्ट में जब न्यूज़ में आती है तो सबसे आखिरी वाला जो सोर्स होता है, मतलब जो रिसीवर होता है वो रिटेल ट्रेडर होता है, जैसे कि हम लोग हैं, और बड़े लोगों के पास पहले से न्यूज़ होता है। तो देख सकते हो यहाँ से एक बड़ा रेड कैंडल बना था, तो इस रेड कैंडल का मीनिंग था कि उसको पता था कि जो 2016 में जाके बजट पेश होने वाला है वो लोगों को पसंद नहीं आने वाला है, तो उन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था सेलिंग, ठीक है। और जब लोगों को पता चला कि ये बजट अच्छा नहीं है तब उन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दिया, मतलब ये FIS का पूरा ये खेल है, आप तो नहीं समझ पाओगे, कोई नहीं समझ पाता, उनको ही पता रहता है, क्योंकि वो बड़े प्लेयर से रिटेल ट्रेडर को इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो उसके बाद जाके जब भी मैंने बताया था, जब भी मतलब ये देखो ये रिट्रेसमेंट, ये प्रॉफिट बुकिंग, ये रिट्रेसमेंट, ये प्रॉफिट बुकिंग, तो ये रिट्रेसमेंट था, प्रॉफिट बुकिंग हो चुका था। तो उसके बाद फिर से एक बार बुल रन आया, लेकिन जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया के जो चहेते प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने एक फैसला लिया कि भाई हम तो अभी क्या करेंगे, डीमोनेटाइजेशन करने जा रहे हैं। किसी को कुछ जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, लेकिन अचानक से एक रात को मोदी साहब स्क्रीन के सामने आते हैं, न्यूज़ चैनल पे आते हैं और बताते हैं कि दोस्तों, भाई और बहनों, उनका फेवरेट डायलॉग है। तो वो बोलते हैं कि आज रात से पूरे देश की मतलब जो पुरानी करेंसी है वो बंद होने जा रही है और नई करेंसी आने वाली है। तो 2000 का जो नोट था, सबसे पहला जो इनोवेशन किया था, जो मतलब लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया था, वो मोदी सरकार ने किया था एक्चुअली। तो वो जो डीमोनेटाइजेशन था वो लोगों में बहुत ही बड़ा पैनिक लेके आ गया, क्योंकि लोगों के पास बैंक में अकाउंट थे लेकिन पैसा जो था तब आपको एक्सचेंज करके मिलने वाला तो अमाउंट बहुत ही छोटा था। तो सबको लगने लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, अब क्या होगा, कैसे होगा, मार्केट कहाँ पे जाएगा। लोगों के मन में फिर से एक बार फियर आने लगा कि कैसे होगा। तो ये जो देख रहे हो रिट्रेसमेंट, ये उसकी वजह से, डीमोनेटाइजेशन की वजह से हुआ था। लेकिन कुछ दिनों के बाद लोगों को पता चला कि ये डीमोनेटाइजेशन जो हुआ वो अच्छा था, क्योंकि मोदी सरकार का उसके पीछे का जो मेन एम था वो था कि काला धन, जिसको ब्लैक मनी बोला जाता है, वो हम इंडिया में फिर से लेकर आ जाएंगे। अगर किसी ने बहुत सारा काला धन अपने घर में बोल सकते हुए या बड़े बड़े कुछ लोग होते हैं उन्होंने जमा करके रखा है, तो वो इंडिया में वापस लाने की कोशिश की जा रही थी। अगर वो वापस लाएंगे तो पकड़े जाएंगे। जैसे कि आपको पता था कि पुराने नोट आपको जमा करवाना है, उसके बाद आपको जाके नए नोट मिलने वाले थे। तो ये सारी चीज़ें चलती गई और यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने फिर से एक बार पॉज ले लिया। तो जब भी मार्केट पॉज लेता है उसके बाद जाके बड़ा बुल रन आता है। तो डिमोनेटाइजेशन के बाद लोगों के ध्यान में ये चीज़ आ चुकी थी कि मोदी सरकार ने जो किया वो बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि जो ब्लैक मनी लेके बैठे थे उनके पास अब वो नोट फेंकने के अलावा और कुछ रीज़न नहीं था और कुछ ऑप्शन भी नहीं था। तो बीच बीच में न्यूज़ आती रही कि किसी के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए जमा हुए, किसी के अकाउंट में 2 करोड़ 50 लाख, 60 लाख, ऐसे अमाउंट किसी किसी के अकाउंट में मतलब अनप्रिडिक्टली जमा होते रहे। तो उसके पीछे का रीज़न वही था दोस्तों, शायद, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, शायद यही रीज़न था कि जिसके पास बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी था वो लोगों के अकाउंट में पैसा डालते रहे और कुछ कमीशन बेसिस भी होता रहा ये सब बिजनेस। लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है कि मार्केट ने कैसे बिहेव किया। तो देख सकते हो मार्केट को मतलब ट्रेडर्स को ये जो भी डिमोनेटाइजेशन का जो मतलब मोदी सरकार ने जो लिया हुआ निर्णय था वो बहुत ही पसंद आ गया था दोस्तों। तो जनवरी 17 से लेकर मार्केट ऊपर 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 जाता चला गया। तो उस फिर से एक बार बुल रन आया मार्केट में। आपको तो पता है जब भी बुल रन आता है मार्केट में तो बहुत सारी बाइंग की जाती है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखने वाली ये थी कि 2008 में जो रिट्रेसमेंट आया था मोर देन 50% था, और जो दिवाली में आया था नवंबर 10 में वो भी लगभग 20-30% था। लेकिन 2008 से लेके आज तक मतलब ये 2020 तक कभी भी मार्केट में 40 या मोर देन 40% का रिट्रेसमेंट नहीं आया था, प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ था। जिन्होंने भी 2008 के मतलब जो मार्केट क्रैश हुआ था वहाँ पे पोजीशन बना ली थी, बहुत सारे लोगों के पास वही के स्टॉक अभी भी पड़े हुए थे, जो कि FIS है, DIS है। DIS में सबसे बड़ी है इंडिया की आपकी LIC, जिनके पास बहुत पोर्टफोलियो में शेयर्स पड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत ही निचले स्तर पे खरीदे थे उनको। तो उनके पास उनको एक रीज़न चाहिए था कि प्रॉफिट बुकिंग का। तो आपको पता है पोस्ट इलेक्शन जो भी 2019 में फिर से हुए थे उसमें फिर से एक बार मोदी गवर्नमेंट इलेक्टेड होके आ चुकी थी। तो रीज़न था लोगों के मतलब जो FIS है, जो बड़े ट्रेडर्स है, बिग प्लेयर्स है, उनको एक रीज़न चाहिए था प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि लगभग 2009 से उन्होंने कुछ भी अपना बड़ा प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया था दोस्तों। उनके पोजीशन भी बड़े होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। उनका पोर्टफोलियो कुछ 10-20 लाख का नहीं होता है, उनका पोर्टफोलियो करोड़ों में होता है, और करोड़ भी कैसे 3 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, इतना बड़ा पोर्टफोलियो रहता है। तो अगर वो सेल करेंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगा, अगर मार्केट नीचे आ जाएगा तो पैनिक में जाके बहुत सारे रिटेल ट्रेडर भी अपना पोर्टफोलियो सोल्ड कर देंगे। तो उनको रीजन चाहिए होता है, बड़ा इवेंट चाहिए होता है उनका प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। तो देख सकते हो पोस्ट इलेक्शन 2019 में फिर से मार्केट ने ऊंचाई छू ली थी। लगभग मेरे हिसाब से जनवरी मंथ में मार्केट ने लगभग 12,200 या 300 का टॉप बना लिया था दोस्तों। तो सबको लग रहा था रिटेल ट्रेडर को कि अब यहाँ से तो मार्केट भैया नीचे नहीं आएगा, यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे डोजी कैंडल बन चुका था मार्केट में दिसंबर के मंथ में 2019 में जो डोजी कैंडल बन चुका था, तभी FIS और DIS के दिमाग में ये बात चल रही थी कि हमारे पास जो 2008 और 9 से लेके जो शेयर्स पोर्टफोलियो में पड़े हैं वो मोर देन 2000-4000% का रिटर्न उनको पहले ही मिल चुका था। तो अब उनको मौका चाहिए था प्रॉफिट बुकिंग के लिए। रिटेल ट्रेडर तो क्या होता है, जब उनको लगता है कि बहुत बड़ा बूम आने वाला है, और ये सब चीज़ें फैलाने का काम भी वही किया जाता है। आपको न्यूज़ में दिखाया जाएगा कि भाई अब मार्केट तो 13,000 छुएगा, 14,000 छुएगा। आपको तो पता है बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने टारगेट भी दिए थे, अभी कुछ अगले मंथ में ये मार्केट निफ्टी जाएगा 13,000, सेंसेक्स जाएगा 40, 50, 60। किन किन भाइयों ने तो 15,000 के ऊपर का निफ्टी का टारगेट दिया था। तो ये सब एक खेल होता है दोस्तों। अगर आपने कुछ मूवीज़ देखी होगी स्टॉक मार्केट के ऊपर तो आपको पता चलता होगा, ये सब खेल होता है उनका कि आप अपना पैसा लेके आ जाइए, आप अपना पैसा डालिए, तब भी वो अपने शेयर बेच के निकल जा सकते हैं, तभी उनको प्रॉफिट बुकिंग का मतलब चांस मिलेगा। तो ये जो डोजी कैंडल बना था, तब भी जो मतलब जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता है, जिनको पता है, तो वो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो मैं समझता हूँ कि सोल्ड किया हुआ था, किया होगा, मैं समझता हूँ ऐसा। जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता है उन्होंने किया होगा प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि उनको पता था ये डोजी कैंडल का मीनिंग क्या होता है। तो पोस्ट इलेक्शन के बाद फिर से एक बार रिट्रेसमेंट आया कि लोग बोल रहे थे कि अच्छे दिन मोदी सरकार लाएगी, कहाँ है? तो इसका इम्पैक्ट है, कहाँ है किसी को तो दिख नहीं रहे थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बहुत ही मज़ेदार बात है। अगर ये कोरोना वायरस नहीं भी आता दोस्तों, ये कोरोना वायरस का सिम्टम्स या पैंडेमिक जो भी है पूरे वर्ल्ड में अभी चल रहा है, ये अगर नहीं भी होता तो अगले कुछ 2-3 महीने के बाद ये बड़े कैंडल्स बनने ही वाले थे। क्योंकि मार्केट में मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो बड़े पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी होगी, आपकी LIC होगी, मैं बार बार LIC का नाम लेता हूँ क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी DIS वही है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोला जाता है उसको। तो उनके पास एक उनको रीज़न चाहिए था मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का। ये भी हो सकता था, मान लीजिए अगर ये कोरोना वायरस का चक्कर नहीं होता तो भी ये प्रॉफिट बुकिंग होता दोस्तों। उसके पीछे रीज़न चिपका देते कि इंडिया चाइना बॉर्डर मतलब टेंशंस, कुछ भी रीज़न चिपका के ये अपना प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से निकल जाते और वे बाद में मार्केट में फिर से एंट्री करते। तो ये फिर से एंट्री कब होगा, कैसे होगा या हो चुका है, ये सब सारी चीज़ें मैं अपने चैनल में ऐसे वीडियो ला के आपको देता रहूँगा। तो रीज़न देखिए दोस्तों, मैंने पूरे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, 2 सेकंड लगेंगे आपको खाली उस बेल आइकन को प्रेस करने में। लेकिन ये चीज़ें कीजिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे ही रिसर्च करके आपके लिए वीडियो में लाता रहूँगा। तो आखिरी की एक ही बात बताऊँगा, जैसे कि 2008 से लेकर अभी तक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ था। ये देख सकते हो 50% का रिट्रेसमेंट 2008 में ही हुआ था, उसके बाद कभी भी नहीं हुआ है। तो ये होने वाला था, कोरोना वायरस नहीं भी आता तो ये सब चीज़ें होने वाली थी। तो मेरा कहने का मोटिवेशन यही था कि जब भी आप अपना पैसा मार्केट में डाल रहे हो तो ऐसे बड़े इवेंट पकड़िए, जब भी आपको लगता है कि मतलब आगे जाके बड़ा कुछ होने वाला है, मार्केट और आके बुल रन लेके आएगा, तब भी जाके आपका मतलब ये रिट्रेसमेंट होता है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आप ट्रेडर हैं, आप जब भी ट्रेड करते हो तभी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। जब भी कोई से शेयर में आप खरीद करते हो, बाइंग करते हो, पोजिशनल लेके जाते हो, कुछ दिन के बाद वो नीचे आ जाता है। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि उन्होंने कुछ शेयर्स खरीदे हैं और वो अच्छे ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ये सब आपके मन के साथ खेला जाता है। ये बहुत ही बड़ा मायाजाल है, इसको समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तभी जाके आपको शेयर मार्केट से मोर देन 50, 70, 80, 100, 200, 2000% रिटर्न भी मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपके पास समय होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अभी एंड कर देते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।